दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज का वीडियो धोखे से फिल्म बन जाने के बाद लोगों के जहन में जो डर होता है उनको बहुत बड़ा रिलीफ देने वाला है। आज हमारे पास एक ऐसा फ़ोन आया, फ़ोन तो आया था हमें धमकाने के लिए, पर वो बातचीत में कुछ लग रहा था, कुछ ज़्यादा कोई वो नहीं था, पर उसकी बातों से लग रहा था कि उसने लोगों के धोखे से फिल्म बनाकर बहुत पैसा कमाया। हमारे पास धोखे से फिल्म बनाने वाले एक अपराधी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर भाई हमसे कहते हैं, स्वयं में मतलब शुरुआत में स्वयं को राम पांडे बताता है वो व्यक्ति, साइबर क्राइम से राम पांडे बोल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि हमसे कोई भी बात करे और वो भी मेवात का कोई बात करे और हम स्वयं मेवात के हैं तो हम तुरंत से उसकी भाषा को समझ जाते हैं। हमने पहली फुर्सत में उसकी भाषा को पहचान लिया कि मेवाती है, क्योंकि भाई मेवाती भाषा और ये मेरे लहजे में है। आपको आप बातचीत करता हूँ तो नहीं आ पाता, क्योंकि भाई अभी दिल्ली में है, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा नहीं है। बट जो मेरी लैंग्वेज है, हम भी मेवाती हैं भाई, मेवात में हमारा जन्म है, वहीं को खानो पीनो है, सट्टेटा काम हमने वहीं किया, उन्हीं की पढ़ाई है हमारी। तो ये मेवाती लैंग्वेज मैंने बोली है। तो फ़ोन करता है, मुझे धमकाता है, राम पांडे बताता है, साइबर क्राइम का अधिकारी स्वयं को बताता है। तो उसके लहजे से मैं समझ गया मेवाती है। उसके बाद जब मैं उससे कहता हूँ कि भाई मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मुद्दे पर आओ, तो वो व्यक्ति मुद्दा बताता है कि भाई तू ऐसी वीडियो क्यों बना रहा है। वो मुझसे छूटते ये कहता है कि तू ऐसी वीडियो क्यों बनाता है, ये सब बंद कर दे। मैंने उनसे कहा कि भाई बंद नहीं करूँगा। तो अलग अलग धमकियाँ भी करता है कि हमको जानता नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई बात नहीं। फिर देखो सुनो उसकी बात, फिर स्वयं ये कहते हैं कि भाई ठीक है आप ऐसी वीडियो बनाते हो, तुमको जितना लोग पैसा देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आपको मंथली पैसा पे आपका फिक्स कर देंगे। तो उसके बाद तो मैंने उनसे बातें निकलवानी थी, तो उस हिसाब से मैंने उनसे कहा कि ठीक है चलो कोशिश करेंगे, पर यार आप तो लोगों के धोखे से बनी हुई फिल्म को फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो ऐसा अगर करोगे तुम्हारे साथ मैं भी फंसूंगा, क्योंकि ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो वो लोग स्वयं बताते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपको उनकी बातचीत मैं सुनाऊँगा, कल दोपहर तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें साइबर जो ये धोखे से फिल्म बनाने वाले लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी रात को एडिट करके कोशिश करूंगा, दोपहर तक आपको ले आऊँ। तो उस बातचीत में वो लोग स्वयं बताते हैं कि धोखे से फिल्म बनाने के पीछे का उनका मकसद वही पैसा है, और वो आपकी फिल्म को कहाँ डालते हैं कहाँ नहीं डालते वो सारी चीज़ें वो बताते हैं उसमें। तो मैं उनसे सवालों में ये भी पूछता हूँ कि भाई आप फिल्म आपके पास मतलब कहाँ रखते हो, कितनी फिल्में होती हैं, कब डिलीट करते हो, तो सारी चीज़ें उस बातचीत में आपको देखने को मिलेंगी। तो कल दोपहर तक वो वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। पर अभी बात कर रहे हैं, उसने जो कॉल किया, उसने जो धमकाने का प्रयास किया, उन्होंने कॉल किया कि क्या होता है कि जब कोई इंसान गलत होता है ना, उसको सब गलत नज़र आते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरे यूट्यूब अब दोस्त क्या करते हैं कि किसी की धोखे से फिल्म बनी तो हमारे वीडियोज़ देखते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, आप में से कुछ लोग उस वीडियो को उन लोगों के पास भेज देते हैं। अब उन लोगों को कोई पार्टी पैसा देने वाली थी, यानी कि एक पीड़ित उनको पैसा देने वाला था 1.5 लाख रुपए। उनकी सारी बातचीत हो गई थी, पैसा ट्रांसफ़र करने वाला था, पर पीड़ित ने हमारा वीडियो देख लिया, पैसा नहीं दिया और हमारा वीडियो उठाकर उनके पास भेज दिया। अब वो इस बात से तिलमिला गए कि मेरी वजह से उनकी पार्टी ख़राब हो गई। वो यही कहते हैं, अक्सर फ़ोन करते हैं, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि भाई तू काइल इन काम कर रो, तेरी वजह से हमारी पार्टी बिगड़ रही है, इन पार्टी पेमेंट कर रही, झटवंती वीडियो उठाकर मेरे पे भेज दियो, पैसा ना दिया। तो ये कहते हैं मेवाती भाषा में, जब मैं उनको गली आता हूँ मेवाती में ही, और मेरे को कन्विंस करने का हमेशा प्रयास करते हैं वो कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ। मेरे दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं सिर्फ उनके साथ शामिल हो जाऊँ ना, तो वो लोग मुझे एक दिन में 20-30 हज़ार रुपये दे सकते हैं, एक दिन में बता रहा हूँ। पर वो जो ईमान है ना अंदर का, वो गवाही नहीं देता है। ईमान के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। जिस दिन धनेश ने ईमान के साथ गद्दारी कर दी, समझो उस दिन धनेश इस दुनिया में नहीं है, गया। जिंदगी में धनेश कुछ भी कर लेगा, भीख मांग के खा लेगा, पर ईमान के साथ समझौता नहीं करेगा, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ये मेरे संस्कार हैं जो इंसान को बचपन से मिलते हैं, शायद उन धोखे से फिल्म बनाने वालों को नहीं मिले होंगे।
ठीक है। उसके बाद वो लोग फिर हर तरीके से कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, फिर धमकाते भी हैं, वो सारी चीज़ें बताते कि उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उन्होंने मतलब कि मैंने आज तक जितना अपनी जॉब से पैसा कमाया इससे ज़्यादा तो वो एक महीने में खर्च कर देते हैं। भाई ये सच्चाई बिल्कुल कर देते होंगे क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन में एक एक करोड़ रुपए की वसूली कर लेते हैं और जिनकी उम्र 18 से 25 साल की उम्र है। तो उन्होंने दोस्तों सारी चीज़ें बताई है स्टेप बाई स्टेप। जब मैंने उनकी बात को डील पर हामी की कि ठीक है भाई मैं शामिल हो जाऊंगा पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे पहले, तो उन्होंने कायदे से पूरे डाउट क्लियर किए। ठीक है, अभी मैं वो वीडियो आपको कल दोपहर तक मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद बहुत सी सहूलियत मिलेगी, बहुत से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। ठीक, और वीडियो ये वाला वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही था कि आप लोग जो ये समझते हैं ना कि भाई हमारी ज़िंदगी इतनी आसान है कि आए वीडियो बनाए और निकल गए, नहीं, आए रोज़ हमें थ्रेट्स मिलते हैं हमारी फैमिली को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे परिवार को लेकर, पर हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। इसके पीछे का कारण जानते हैं आप क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि लोगों को, मजलूम लोगों को फंसते हुए नहीं देख सकते। आत्मा रोती है हमारी, इसीलिए हम ये काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार धनेश तू जब सक्षम है लोगों की मदद करने में, लोगों को अवेयर करने में, और सब कुछ जानते हुए कि लोगों को कितनी आवश्यकता है इस समय मेरी मदद की या फिर हमारी मदद की, हम जैसे लोगों की मदद की, और हमने हथियार डाल दिए, तो नहीं, ये चीज़ नागवार है, बिल्कुल संभव ही नहीं है कि धनेश अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाए। नहीं हटेगा, क्योंकि धनेश की ये परवरिश नहीं है। तो कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल आपसे मिलेंगे, देखेंगे आपको पूरा मज़ा आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।